हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। लूसेंट का जनरल नॉलेज डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है, फिजिक्स कंप्लीट है, केमिस्ट्री कंप्लीट है, उसके अलावे हमारा ज्योग्राफी चल रहा है और एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री भी कम्प्लीट है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम ट्राई करते हैं जल्दी से जल्दी करने का। इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि कैसे आप, बहुत बार होता है आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हो या हो सकता है कमेंट सेक्शन में मैं जवाब नहीं देता दे पाता हूँगा, तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या आप वो एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ, आप उसको, मैं उसको लिंक आपके कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और कमेंट सेक्शन में, आप ज्वाइन कर लेना। आप डायरेक्टली भी कोई मैसेज भेज सकते हो कि क्या आपको प्रॉब्लम है और क्या क्वेरी है और आप क्या चाहते हो कि मैं डिस्कस करूँ, क्योंकि आपका रिप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या, सबसे ज़्यादा तो वही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो आप फीडबैक दीजिए, अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मैं और क्या करूं, क्या चेंज करूं, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लियर। क्योंकि लूसेंट मैंने देखा है, लूसेंट का हिंदी में यूट्यूब पे है, कई वीडियो है, मैं आपको बता सकता हूँ कई वीडियो है क्योंकि मैंने जब सर्च किया, लेकिन इंग्लिश में लूसेंट पे एक भी वीडियो नहीं है जो लूसेंट की इंग्लिश मीडियम की आती है। और इसके अलावा बहुत सारे बुक है जो इंग्लिश में है भी, इंग्लिश में तो रेयर ही है, लेकिन उसमें सिर्फ एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू से हमारा मतलब कितना रट सकते हो आप, लेकिन एक बार ही आप पूरा थ्योरी कर लीजिए तो आपका एमसीक्यू हो ही जाता है और हुआ होता ही है, क्योंकि आप अगर सेम ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है, एक टॉपिक जो मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का वीडियो पूरा कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद आप जो हायर लेवल यूपीएससी को छोड़ दो, उसके अलावा जो भी एग्ज़ाम होते हैं और जो भी एग्ज़ाम बीपीएससी या कोई भी पीसीएस या एसएससी इस लेवल का एग्ज़ाम कोई भी होता है तो उसमें आप कंप्लीट कर सकते हो। यूपीएससी में बहुत क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं सारे का गारंटी नहीं लिख सकता क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो सबका, क्योंकि इसमें अधिकतर चीज़ फैक्ट के बेसिस पे होता है, तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने का कॉन्सेप्ट, मैं ट्राई करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक मैं बहुत सारे फिगर का भी यूज़ करूँगा ताकि आपको समझाने के लिए, लेकिन सबसे पहले हम मैप का थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, क्योंकि मान लो दो तीन जगह आपको दे दिया, जैसे आपको ये तो पता होगा जैसे मोहनजोदारो, छानोदारो, लोथल, कालीबंगा, वनाबली, धोलावीर, हड़प्पा, सबको पता है, लेकिन मैं आपको पूछ लूँ कि बताइए, मैं चार ऑप्शन दे दूँ कि बताइए इनमें से कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट नहीं है। मैं दो ऑप्शन दे दूँगा, आप खुश हो जाओगे, हड़प्पा और मोहनजोदारो, मैं खुश हो जाओगे, लेकिन उसके अलावा मैं दो ऑप्शन दे दूँगा, एक कोट डीजी और एक ऑप्शन मैं दे दूँगा अंजीरा, मतलब ये तो एग्रीकल्चर साइट है, कोई और दे दो, मतलब ये दे दो निंदोवारी, ये दे दूंगा। तो क्या आप कर पाओगे? चलो ये दोनों में आप, इन दोनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है, इसलिए एटलीस्ट एक नज़र आप दोहरा लो, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट साइट के बारे में बता दे रहा हूँ, और एक नज़र इंपॉर्टेंट के अलावा कुछ और साइट के बारे में बता दो, लेकिन एक नज़र आप दोहरा लो। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है मोहनजोदारो, जो कि इंडस रिवर के किनारे हैं, उसके अलावा है हड़प्पन, जो कि सबसे पहली साइट है जिसको हम खोज किए थे, वो है रवि रिवर के किनारे हड़प्पन साइट, उसके दरूपर है, उसके राखीगढ़ी है, अलामगीरपुर, ये है उत्तर प्रदेश में, और सबसे ईस्टर्न साइट है, क्लियर। उसके अलावा सबसे वेस्टर्न साइट की बात करें तो ये है सुटका जिंदौर, और नदन और सदन इस मैप में नहीं है तो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन आप समझ गए, रोजदी, लोथल, धोलावीरा, ये सुरकोटदा, तो ये सब बहुत सारे साइट है, जैसे छानोदारो ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे आप ऊपर देख लो, ऊपर एक चीज़ कि सभी साइट नहीं है, जो जो इसमें जो ट्रायंगल में है वो अर्ली एग्रीकल्चरल साइट है, इंडस सिविलाइजेशन है कि सिटीज है, जो कि मॉडर्न सिटीज है वो इस ऐसे दिया है। तो इसमें कुछ मॉडर्न सिटी है, जो लाहौर अभी का सिटी के बारे में बात करें, जो कि अभी की सिटी है, जैसे दिल्ली,
या भी किसी भी, ताकि आपको दिखा दिया जा सके। जैसे आपको पता है दिल्ली के आसपास कौन सा साइट है, सबसे आसपास कौन है, आलमगीरपुर, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब घुमाने के लिए तो घुमा सकता है ना। तो एक बार ये अगर नज़र दौड़ा लिया जाए तो हमें कोई आपत्ति तो नहीं है इससे। तो अब चलिए शुरू करते हैं, जो हमारा मेन है जहाँ से, वहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले, सबसे ओल्डेस्ट नेम है इसका इंडस सिविलाइजेशन। इंडस इसलिए क्योंकि देखो दो नेम है, जब से सबसे पहले इसको बोला जाने लगा, हरप्पन सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन इसलिए क्योंकि वो जो पहली साइट थी जिसको खोजा गया था, वो था हरप्पा। हरप्पा किस रिवर के किनारे है? रवि रिवर के किनारे है। क्लियर? ध्यान देना, एक चीज मैं बता दूं, जो सबसे मेजर साइट है हरप्पा, चाहे मोहनजोदारो चाहे छानोदारो, ये पाकिस्तान में है। क्लियर? मैं बताते चलूँगा कौन हिंदुस्तान में है कौन पाकिस्तान में है। तो जो ओल्डेस्ट साइट है, जो ओल्डेस्ट नेम है इसका, इंडस सिविलाइजेशन। इंडस इसलिए क्योंकि अधिकतर साइट जो स्टार्टिंग में हम खोज रहे थे वो सब के सब सिंधु नदी के किनारे थी। क्लियर? या तो सिंधु नदी के ट्रिब्यूटरी के किनारे के आसपास थी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिकल ट्रेडिशन द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम क्या था? हरप्पन सिविलाइजेशन। क्योंकि हरप्पन सिविलाइजेशन जो पहला खोज किया गया था वो था हरप्पा जगह में था। किन्होंने किया था? दयाराम साहनी ने जी ने किया था। क्लियर? 1921 में। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट सुटेबल नेम क्या है? इंडस और सरस्वती सिविलाइजेशन। क्योंकि जो लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है ना इसके इंडस और सरस्वती रिवर वैली के किनारे है। क्लियर है ना? सरस्वती रिवर अब नहीं है, ध्यान देना अब नहीं है, अब इसके इसका अलग अलग ट्रिब्यूटरी में और इसका बहुत सारा पार्ट अब किसी और रिवर में बदल गया है। क्लियर? 80% जो सेटलमेंट था अलोंग सरस्वती रिवर के किनारे था। क्लियर? तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जब आपको डेफिनेशन लिखना होगा तो उसमें आप उसके पीरियड को लिख सकते हो। मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड है 2500 से लेके 1750 BC। क्लियर? उसके बाद अगर बात करें, जॉन मार्शल वो पहला बंदा था जिन्होंने, पहला स्कॉलर था जो यूज किया इंडस सिविलाइजेशन। और जॉन मार्शल जब कर्जन जब थे, कर्जन कब थे आपको पता होगा, 1898 से 1905 के आसपास थे। यही टाइम था ना जब बंगाल का पार्टीशन करवाया था कर्जन। तो इस समय क्या था, क्योंकि उसको खोज करनी थी तो उसने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया। तो जो जॉन मार्शल थे वो पहले जनरल थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। क्लियर? पहले जनरल थे तो उन्होंने ही नाम रखा हो, क्योंकि सबसे हेड तो वही थे ना, चाहे आप दयाराम साहनी कोई भी खोज करें, लेकिन सबसे हेड कौन थे? मार्शल थे उस समय। जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पीरियड जो होता है वो तीन टाइप के हैं। एक है प्री हिस्ट्री, एक है प्रोटो हिस्ट्री, एक है हिस्ट्री। तीनों को मैं आपको समझा दे रहा हूँ। होता क्या है, प्री हिस्ट्री में ध्यान देना, प्री हिस्ट्री में का कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ है ही नहीं, उसमें लोग लिखना ही नहीं जानते थे। क्लियर? प्रोटो हिस्ट्री का मतलब लिखा हुआ है कहीं पे, ध्यान देना, लिखा है, लेकिन दो चीज प्रॉब्लम है, एक तो जो लिखा है वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया, दूसरा कोई डिसाइफर ही नहीं कर पाया, कोई उसको पढ़ ही नहीं पाया है। थर्ड, लिखा भी है हम समझ भी सकते हैं। तो जो प्रोटो हिस्ट्रिक है, प्रोटो हिस्टोरिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्टोरिक में लिखा हुआ है भाई, लेकिन हम डिसाइफर अभी तक नहीं कर पाए हैं। क्लियर? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन किस पीरियड का पार्ट है? प्रोटो हिस्ट्रिक, समझ गए? इसमें चालकोलिथिक भी आता है, ब्राउन एज भी आता है, मतलब इसको बोलते हैं चालकोलिथिक और ब्राउन एज भी बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर सिंध, जो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान में, पंजाब इंडिया और पाकिस्तान दोनों में, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी और नदन महाराष्ट्र, इन सब में फैला हुआ है। जो सबसे सदन में साइट है ना वो महाराष्ट्र में ही है, और जो सबसे नदन में साइट है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। स्कॉलर जनरली बिलीव डेट हरप्पा घाघर मोहनजोदारो एक्सिस रिप्रेजेंट द हर्टलैंड ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। मैंने बताया था ना, मैं फिगर से आपको बताता हूँ कि हरप्पा, एक देखो फिगर, देखो हरप्पा, मोहनजोदारो और
यहाँ पे रिवर है, घाघरा रिवर इसके आसपास है। तो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हार्टलैंड। देख रहे हो कितना, जो अधिकतर साइड तो यहीं पे है ना, बाकी साइड तो इधर उधर है, एक दो इक्का दुक्का चाहे जो पोर्ट्स वाला साइट हो, लेकिन जो अधिकतर साइट है ना यहीं पे है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब नेक्स्ट देखो, देखो यहाँ से आप देख सकते हो नदन मोस्ट साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सबसे पहले था रोप पर, लेकिन अब क्योंकि नए नए साइट की खोज होती रहती है, तो जो मंडा जो साइट है जो चेनाब रिवर के किनारे हैं वो है अभी का मंडा। और जो सदर्न मोस्ट साइट है वो पहले था गुजरात में भाग तरफ, लेकिन अब जो हमें पता चला है दैमाबाद में है, महाराष्ट्र में। ईस्टर्न में बता चुका हूँ कौन है, अलामगीरपुर उत्तर प्रदेश में। वेस्टर्न भी मैं बता चुका हूँ जो कि है पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पे, सुतका जिंदौर। क्लियर है, मकरान कोस्ट पे है और ये है ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे। कैपिटल सिटीज कौन था, हरप्पन एंड मोहनजोदड़ो। कैपिटल सिटीज का मतलब था वहाँ पे, चलो वहाँ पे महल टाइप का बने थे कैपिटल, जहाँ पे राजा वगैरह रह रहे हैं। पोर्ट सिटीज था लोथल, सुटका जिंदौर, अलाहिदीनो, बालाकोट, कौनासी। क्लियर है ना, तो ये सब था पोर्ट सिटी। उसके अलावा आप जो कुछ सिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, उस सिटी के कोई साइट है कुछ, किस रिवर के किनारे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे हमें ये, चलो हरप्पा मोहनजोदड़ो सबको पता है, धोलावीरा पूछ सकता है कि किस रिवर के किनारे, हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट साइट, किस रिवर के किनारे, किस डिस्ट्रिक्ट। और देखो अगर वो इंडिया में रहेगा तो डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है, पाकिस्तान में है तो डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछेगा। क्लियर, पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है किस प्रोविंस में है, यानी किस स्टेट में है, और जिन्होंने खोज की थी उनका नाम, ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हरप्पन सिविलाइजेशन, जिसको सबसे पहले खोज किया गया था, रवि रिवर के किनारे हैं, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब प्रोविंस का है। पंजाब इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, तो जो पाकिस्तान वाला पंजाब है उसके साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हरप्पा। कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान। उसका जो इनको खोज किया था उनका नाम था दयाराम साहनी 1921 में। उसके बाद माधव स्वरूप, बाकी कुछ चीज़ें खोजे होंगे, और व्हीलर खोजे थे 1946 में। तो इसका तीन लोगों का नाम देने से इसका मतलब है कि कुछ पार्ट, क्योंकि हरप्पा छोटा सा तो था नहीं, कुछ पार्ट दयाराम साहनी खोजे होंगे, बाकी पार्ट ये लोग खोजे होंगे। क्लियर है ना। उसके बाद मोहनजोदारो, मोहनजोदारो को का एक और नाम है, एक और नाम है नखलिस्तान, जिसे हम ओयासिस ऑफ सिंध बोलते हैं, ओयासिस ऑफ सिंध, सिंध का ओयासिस। क्लियर है ना। और एक ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है। क्लियर है। और ये कुछ रिलेटेड है वाटर से, लेकिन आपको ये बताना है, सिंपल गूगल करना है, गूगल करके आप अपने नोट्स में लिख लेना। क्लियर। उसके बाद इंडस रिवर के किनारे हैं लरकाना, जो कि डिस्ट्रिक्ट है सिंध प्रोविंस का, सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान का। और किसने ने किया था, आर डी बैनर्जी, जिसको रखल दास बैनर्जी बोलते हैं, मैकाए भी खोजे थे और व्हीलर भी खोजे थे। उसके बाद छानूदारों की बात करें, ये भी इंडस रिवर के किनारे हैं और नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट में है और सिंध प्रोविंस में पंजाब में है, और मजुमदार मैकाए दोनों मिलकर खोले थे। लोथल, लोथल कौन सा है, लोथल यहाँ से सब इंडिया वाला आ गया। लोथल तो यहाँ से आपको रिवर तो याद करना ही करना है, जैसे वोगाबा रिवर के किनारे हैं अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है, गुजरात की कैपिटल नहीं, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, अहमदाबाद एक सिटी है, इंपॉर्टेंट सिटी इंडिया में, एस आर राव ने खोज की थी। उसके बाद कालीबंगा, द बंगाल्स ऑफ द ब्लैक ब्लैकर। कालीबंगा इसलिए नाम है क्योंकि काली, काली मतलब ब्लैक, बंगा मतलब तो बैंगल्स, जो बल्ला नहीं होता हाथ में पहनती है औरत लोग। तो जो घाघर रिवर के किनारे हैं, और हनुमानगढ़ राजस्थान की एक का एक डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान का इंडिया में, राजस्थान, और राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़, वहाँ पे है। और अमालनंद घोष ने इनको खोज की थी, फिर बीबी लाल आ गए, बीके थापर आ गए, बहुत लोग आ गए बाद में। बनावली, ये भी घाघर रिवर के किनारे है, तो आपको ध्यान रखना है कालीबंगा और बनावली ये दोनों घाघर रिवर के किनारे हैं। और ये कहाँ पे है, जैसे कालीबंगा है राजस्थान में, बनावली है हरियाणा में, हरियाणा के फतेहाबाद में है, इंडिया की साइट है, आर एस बिस्ट इसके खोज किए थे।
धोलावीरा जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धोलावीरा लूनी रिवर के किनारे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। तो यानी गुजरात में कौन कौन हो गया, लोथल हो गया और धोलावीरा हो गया, और जेपी जोशी ने खोज की थी। क्लियर, आगे देखते हैं कुछ। अब एक एक साइट को लेके हम डिस्कस करते हैं, एक एक साइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जहाँ पे जो चीज़ मिली थी। देखो हड़प्पा में ग्रेनरी मिली थी, देखो ग्रेनरी का मतलब होता है जहाँ पे लोग फसल रखते थे, लेकिन ऐसे थी कि छः एक लाइन से, 1 2 3 4 5 6, लेकिन मोहनजोदड़ो में जो था एक ग्रेट ग्रेनरी मिला था, बहुत बड़ा, मतलब इन 6 से ज़्यादा सामान इसमें आ जाएगा। क्लियर है ना। तो जो मोहनजोदड़ो में एक ग्रेट ग्रेनरी मिला और इसमें है, उसके बाद यहाँ पे वर्किंग फ्लोर्स थे, फ्लोर ऐसा नहीं था कि मिट्टी धसा वसा, फ्लोर्स जो होते हैं ए वर्किंग फ्लोर था, वर्कमैन के लिए क्वार्टर, मतलब ऐसे अगर कहीं पे रख रहे कोई काम कर रहे तो भाई उसके लिए क्वार्टर भी तो ज़रूरी है। जो यहाँ पे वर्जिन गॉडेस का सील मिला था, उसके बाद सीमेंट्री मिला था, स्टोन सिंबल मिला था लिंगम का, लिंग जो होता है ना मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन योनि। तो यहाँ पे बात बात यहाँ से, यानी एक चीज़ तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि लोग जो मेल एंड फीमेल दोनों का, जैसे मतलब कि दोनों का पूजा होता था थोड़ा बहुत। और एक चीज़ हम यहाँ से एक चीज़ और बता सकते हैं कि सोशल स्टिग्मा नहीं था इन चीज़ों सबको लेके, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को लेके होता है बहुत सारे सोसाइटी में सोशल स्टिग्मा होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं रहा होगा। क्योंकि अगर पूजा होती थी, जैसे आपको पता होगा आसाम में एक कामाख्या टेम्पल है, वहाँ भी ऐसे ही पूजा होती है, तो जहाँ पे ऐसी पूजा होती है वहाँ पे ये सोशल स्टिग्मा टाइप का चीज़ नहीं रहा होगा, ये तो हमें पता ही चाहिए। सैंडस्टोन का एक मेल टोर्सो मिला था, मेल टोर्सो अभी भी हमें पता है, मेल डांसर मिला था। देखो यहाँ पे स्टैचूटेट का एक एक मेटल था, उसका मतलब मेल डांसर मिला था, लेकिन अगर ब्राउन्ज का पूछे, ब्राउन्ज ब्राउन्ज मिली थी, ब्राउन्ज डांसिंग गर्ल कहाँ पे मिली थी, मोहनजोदारो। क्लियर। पेंटेड पॉटरी मिली थी, पॉटरी जहाँ पे कुछ बर्तन नहीं होते, जहाँ पे कुछ रखते हैं उसमें, वो पेंटेड था, ब्लैक एंड वाइट कलर का पेंट कर, ब्लैक एंड रेड कलर का पेंट होते हैं। क्ले फिगर मिला था मदर गॉडेज का, मदर गॉडेज एक वुमेन थी, वुमेन तो हमें वो उनको हम बोलते थे कि अवतार बोलते थे, और उनको भगवान का दर्जा दिया जाता था। वीट एंड वार्ली की, वीट एंड वार्ली होता था जिसको वुडन मॉर्टर में रखते थे, मतलब एक लकड़ी के बर्तन में रखते थे। कॉपर स्केल मिला है, क्रिस्केबल ऑफ फॉर ब्रॉन्ज मिला है, कॉपर मेड मिरर मिला है, वैनिटी बॉक्स एंड डाइस, डाइस जो नहीं होता है छकरी। क्लियर। उसके बाद मोहनजोदारो की बात करें, मोहनजोदारो का है ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेट बात ये पता है, ग्रेट बात फॉर यूज होता था रिचुअल बाथिंग, ऐसे नहीं डेली जाके अपना नहा लो। असेंबली हॉल होता था जहाँ पे सेल स्ट्रिप होते थे, पशुपति महादेव यानी प्रोटो शिवा, और ये आपको पता होगा उनके 4 जानवर होते थे, मतलब एक शिव भगवान की मूर्ति टाइप की है, वहाँ पे 4 जानवर होते, राइनोसोरस टाइगर हॉर्स और एक और कोई होता है बुफैलो, ये चारों बैठे होते थे। उसके अलावा 2 और होते थे डियर, तो ये आपको पता होगा। ब्राउन जीमेल थे न्यू डांसन गर्ल के, स्टेरेटाइट की एक प्रिस्ट किंग की मूर्ति मिली थी, जो कि जैसे मेरे फिगर में, इस फिगर में होगा ये जो मैंने बताया था ना, प्रिस्ट किंग की मूर्ति स्टेरेटाइट की बनी है। ये है मूर्ति किसकी, जो हम प्रोटो शिवा के बताए थे कि इनके चारों तरफ क्या जानवर बैठा हुआ है। क्लियर है ना, शिव भगवान की प्रतिमा है, ये वही वाला हो फिगर है। क्लियर। और क्या क्या है इसमें, ह्यूमन स्केलेटन मिला था, हर्डल टुगेदर ह्यूमन स्केलेटन मतलब साथ में मिला था, और पेंटेड सील मिली थी, और क्ले फिगर मदर गॉडेज का मिला था, क्ले फिगर मदर गॉडेज का भी मिला था, क्ले का फिगर, क्ले मतलब होता है जो बालू से बनाते हैं ना उससे, फ्रेगमेंट ऑफ वुवेन कॉटन मिला था, यानी यहाँ पे आ गए, यानी वर्ल्ड में सबसे पहले कॉटन कहाँ पे मिला था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ब्रिक क्लिंच मिला था, 2 मेसोपोटामिया के सील मिले थे, मेसोपोटामिया एक जो कि आपको कहाँ पे है मैं बता दूँ, मेसोपोटामिया देखो, मेसोपोटामिया यहाँ पे है, यहाँ पे मेसोपोटामिया,
ये वाला पार्ट है मेसोपोटामिया का, तो यहाँ पे मिला था। यानी अगर किसी देश का सील मिलता है जैसे, तो इसका मतलब कहाँ है, वहाँ से व्यापार हो रहा है नॉर्मली, मतलब एज सिंपल एज दैट। बहुत सारे सील मिले थे जो कि, देखो यहाँ पे जितने सील मिले थे ना, टोटल इंडस वैली सिविलाइजेशन का 56% सील तो सिंपल मोहनजोदड़ो से मिला। इससे सिंपल पता चलता है क्यों नहीं कैपिटल सिटी हुआ, सबसे ज़्यादा बिजनेस तो यहीं पे हो रहा है ना, डाइस मिला था दोनों जगह से, क्लियर। उसके बाद अब आते हैं कुछ और साइट के बारे में, जैसे सबसे पहले हम छानोदारों की बात करते हैं। छानोदार यहाँ पे एक सिटी थी जिसमें साइटेडल नहीं था। और एक चीज़ मैं बता दूँ, सिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, सिटी दो पार्ट में बटा होता है, एक अपर साइड में एक साइटेडल होता था और एक होता लोअर टाउन टाइप का, इस टाइप का। तो साइटेडल होता था जो अपर सिटी होता था, थोड़ा हायर पॉइंट पर बनाया जाता था, थोड़ा हायर, और जो जो मेन इंपॉर्टेंट जैसे ग्रेनरी ग्रेट बात कहाँ होगा, लोअर टाउन में क्यों बनाएंगे भाई, राजा लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो मेन मेन असेंबली हॉल है सब यहाँ पे हैं, लोअर टाउन यहाँ पे रह रहे हैं ना, तो यहाँ पे एंट्री भी मुश्किल होती थी। जैसे आपको कुछ दिखाना होता था एंट्री के लिए, जैसे जो हम सील वगैरह की बात करते हैं, सील एक एंट्री दिखाने के लिए भी यूज किया जाता था कि हाँ भाई वहाँ जाने दो। तो छानोदारों में अगर सिटी विदाउट अ साइटेडल है, इसका मतलब ये छानोदार बहुत पहले बना रहा होगा, तभी तो भाई वो सब आदमी आए सिंपल लोअर टाउन में ही रहने लगे। छानो जो साइटेडल जो अपर टाउन का दिमाग कब आया होगा, जब लोगों के पास पैसा आ गया, मतलब राजा के पास जब पैसा आ गया तभी तो दिमाग आया यार हम थोड़ा अलग रहते हैं बाकी लोगों से। लिपस्टिक यहाँ पे मिलने लगा, मेटल वर्क्स, तो आप इससे पता लगा सकते हो। देखो यही बहुत जनरल क्वेश्चन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और मॉडर्न इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमने क्या क्या सीखा जो कि मॉडर्न डेज में अभी भी चल रहा है। तो आपने देखो लिपस्टिक उस समय मिलता है, मेटल वर्कर, सेल ऑर्नामेंट मेकर, बीड मेकर्स, शॉप्स, डॉग्स का जो पैर होता है ना वो आपको ब्रिक पे मिला, तो इसका मतलब डॉग बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय के लिए। बुलक कार्ट का, बुलक कार्ट जो होता है ना बैलगाड़ी का, टेराकोटा मिल, टेराकोटा मतलब खिलौना बना ले, खिलौना मिला बैलगाड़ी के रूप का, तो इसका मतलब बैलगाड़ी उस समय था, बैलगाड़ी था इसका मतलब पहिया भी था, पहिया था इसका मतलब इसी पहिए से अब चाक में क्या करते हो बर्तन बनाते हो मिट्टी के। ब्राउन्ज का टॉय कार्ट मिला, मतलब जो टॉय होते हैं खिलौने मिले बने। लोथल, लोथल में क्या है, लोथल तो सबसे पहले आपको पोर्ट सिटी यानी डॉक यार्ड है वहाँ पे। राइस हस्क मिला, राइस वगैरह का, मेटल वर्कर्स, तो आपको ये नहीं पता लग रहा है, इससे हमें साफ साफ इसको देख के साफ साफ पता चलता है कि भाई यहाँ से सामान बाहर भेजना है, बाहर बेचो, यानी यहाँ पे कहीं अगर दूर से भी सामान आता होगा तो यहाँ पे पहले गोदाम में रखा जाता होगा, फिर यहाँ से किसी दूसरे देश में जाता होगा। तो यहाँ पे ऑर्नामेंट, मेटल वर्कर, और यहाँ पे मार्केट भी होती है ऑब्वियसली, बीड मेकर, शॉप्स होते थे, फायर अल्टर यहाँ पे मिला, फायर अल्टर, टेराकोटा फिगर मिला हॉर्स का, ध्यान देना हॉर्स का यहाँ पे टेराकोटा फिगर मिला, लेकिन हॉर्स का एक्चुअली हॉर्स का बोन्स वगैरह मिला यहाँ से सुरकोटदा से। तो यानी इससे ये पता चलता है कि लोथल में कहीं और से भी आ सकता है टेराकोटा का फिगर, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे हॉर्स का बोन मिला। तो हॉर्स के बारे में अगर कहीं से पता चलता है तो किस साइड से पता चलता है, सुरखुर्द, मतलब आप कंफर्म हो सकते हो कि हाँ यार इससे तो मिल सकता है, लेकिन इससे कोई 100% हम कंफर्म नहीं हुए। जैसे देखो डबल ब्यूरियल्स मिला है, कि आप डबल ब्यूरियल्स का मतलब मेल और फीमेल को एक ही ग्रेव में डाल दिया, तो इससे ज़रूरी नहीं है कि आप मेल और फीमेल क्या है को सेम समय में मारा गया हो, सेम समय में मरे होंगे, हो सकता है हस्बैंड जहाँ पे ग्रेव किया गया है, हस्बैंड को ब्यूरी किया गया है, तो वाइफ अगर बाद में डेथ हुआ हो तो उसके बच्चे लोग उसी को उनको वहीं पे डेथ किए होंगे, यानी थोड़ा बहुत तो आफ्टर लाइफ के बारे में थोड़ा लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि आफ्टर लाइफ के बारे में नहीं सोचते। तो यहाँ पे अपने अपने जब यहाँ को दफनाया जाता था, ध्यान देना जलाना का कॉन्सेप्ट बहुत रेयर था यहाँ पे, अधिकतर लोगों को दफनाया जाता था, अंदर रखा जाता था ज़मीन के अंदर, तो यानी लोग आफ्टर लाइफ के बारे में सोचते थे ये, और जब दफनाते थे तो इसमें बहुत चीज़ लोग अपना सामान रखते थे, खाने वगैरह का सामान रखते थे, ज्वेलरी वगैरह रखते थे, इसका मतलब लोग आफ्टर लाइफ के बारे में तो सोच रहे हैं, क्लियर। देखो टेराकोटा मॉडल ऑफ सीप मिला, जैसे एक सीप, एक एक सीप का टेराकोटा मॉडल मिला, और कई कई सील ऐसी मिली जो, क्योंकि मेसोपोटामिया से जो सील आती थी ना वो सील कई ऐसी होती थी,
सिलिंड्रिकल शेप, तो सिलिंड्रिकल शेप पे कई बार ऐसे मिला सीप का फोटो है। डाइंग वैट, पर्सियन एरिडानियन सेल, ब्राह्मीनियन सेल, मतलब यहाँ भाई बिजनेस तो हो रहा है। पेंटेड जार, पेंटेड जार का मतलब उस पे जो ऐसा जार होता है जिसमें आप कुछ पी सकते हो, जैसे वाइन वगैरह पीने के लिए या वाटर पीने के लिए, क्योंकि ये लोग इस चीज़ को रेगुलर यूज के लिए तो नहीं करते होंगे। तो पेंटेड जार था जिसपे बर्ड एंड फॉक्स के फोटो थे। तो ये हमें लगता है कहीं किसी और देश से आया होगा। कालीबंगा में, कालीबंगा में तो एक तो आपको पता चलगा जो ब्लैक कलर का बैंगल्स वगैरह, यहाँ पे जो फील्ड ही प्लाउड फील्ड थी, मतलब यहाँ पे जुताई की गई थी खेत की, वो मिला प्री हरप्पन समय का। क्लियर है ना। 7 फायर अल्टर्स मिला, डेकोरेटेड ब्रिक मिला यहाँ पे, व्हील्स ऑफ ए टॉय कार्ट, मतलब ये जो चक्का नहीं होता जिसपे आप इस पे मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, मेसोपोटामिया का सिलिंड्रिकल सेल मिला। क्लियर है ना। बनावली वैसे है कि लैक ऑफ चेस बोर्ड और ग्रीडियन पैटर्न टाउन प्लानिंग किया गया यहाँ पे, मतलब लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज। इससे भी हमें पता चलता है ये भाई ये तो थोड़ा पहले करा होगा शहर, क्योंकि ड्रेनेज पैटर्न तो इसका सबसे फेमस है। तो ड्रेनेज पैटर्न कहीं सिस्टमेटिक नहीं है, इसका मतलब पहले नया शहर बसा था, सोचा इन्होंने कि एक और शहर अगर बसाएंगे ना तो वहाँ पे हम पहले से ही प्लानिंग करके बसाएंगे, यहाँ पे तो आके बस रहने लगे थे। टॉय प्लाउ मिले थे, क्ले फिगर मदर गॉडेज का मिला था। धोलावीरा एक सिस्टम था जिसमें तीन पार्ट, देखो सारा साइट क्या था, दो पार्ट में डिवाइड था, साइटेड लोअर टाउन, लेकिन ये एक ऐसा पार्ट था जो तीन पार्ट में डिवाइड था। क्लियर। यहाँ है लार्जेस्ट हरप्पन इंस्क्रिप्शन यूज फॉर द सिविक पर्पस है, स्टेडियम यहाँ पे हुआ करता था, वाटर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, ये लार्ज वेल थे, मतलब जो होता ना कुआं, वात था नहाने के लिए। सुरखोटदा सबसे इंपॉर्टेंट है, जान गए क्यों, हॉर्स के लिए। ओवल ग्रेव यहाँ पे मिलते थे, पॉट मिलते थे, ब्यूरियल्स वहाँ पे किया जाता था। दैमाबाद जो था, दैमाबाद में क्या मिला था, जो रथ मिले थे, जो रथ नहीं होते हैं जो आदमी जो किस पे घोड़ा लगा होता है उसमें, ऑक्स मिले थे, एलिफेंट मिले थे, राइनोसेरस मिले थे, इसका ब्राउन्ज इमेज मिला था ये सबका। क्लियर। दो चीज़ समझ लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे लार्जेस्ट साइट बोले तो कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट साइट है मोहनजोदारो, लेकिन अगर इंडिया का बोले तो हमें राखी घर ही याद रखना है, क्योंकि हमें ये याद रहता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, मोहनजोदारो हम बोल देते, लेकिन इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, वो है राखी घर ही। तो यहाँ से जो हम एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसमें भी 1 2 3 4 5 पेज है, तो 30 मिनट और लगेंगे तब हमारा कंप्लीट होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। और आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए, और अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो हरप्पा, या अगर आप यहाँ तक आए हो तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखो, क्योंकि देखो ये आपको भी पता है कि YouTube पे लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन अगर आप ट्राई कर रहे हो देखो तो पूरा देखो, अगर अच्छा लग रहा है तो देखो, नहीं तो आप एक बार ही हटा दो कि नहीं इसका वीडियो तो देखना ही नहीं है। क्लियर। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो पूरा देखो, सीखो, क्योंकि ये ही आपको चैप्टर किताब से पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। एक बार आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद किताब से पढ़िए, आपको आधा वैसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा स्टोरी से कनेक्ट करके बता रहा हूँ, थोड़ा ट्राई करो जितना हो सके। तो चलिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, मुझे डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हो, क्योंकि एडमिन एडमिन के नाम से मुझे मैसेज भेज सकते हो। मैं आपको लिंक अभी भेज रहा हूँ, अभी डाल दूंगा, तो आप कहीं भी मैसेज कर सकते हो, आप इंस्टा पे कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे कर सकते हो, व्हाट्सएप के पे कर सकते हो, इन तीनों पे करोगे तो मैं थोड़ा क्विक जवाब दूंगा। फेसबुक में उतना देखता नहीं हूँ, बट मैं पोस्ट डाला करूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि किसी से हैंडल करवा सकूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच।